नमस्कार, सुप्रभात। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है आज की डेट पे 13 जुलाई। तो अभी अभी पता चला है कि ऊपर SIS वाले आ चुके हैं, मतलब सिक्योरिटी वाले आ चुके हैं वहाँ पे हमारे ब्लॉक में। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ रखे हैं जॉब के पर्पस से। तो अभी जाते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं SIS वालों की असली सच्चाई। तो आपको बेरोज़गारी दिखाता हूँ कितनी है। आज आ रखे हैं हमारे ब्लॉक में SIS कंपनी वाले, यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विस, फुल फॉर्म है SIS की। तो दिखाते हैं आपको बेरोज़गारी कितनी है। तो आज ब्लॉगर से मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं TV रिपोर्टर बन गया, क्योंकि जो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी सेम जैसे रिपोर्ट में आता है, जैसे न्यूज़ में आता है, वैसे इस ब्लॉग में आने वाला है। तो आप ज़रूर देखना इस वीडियो को पूरा। बेरोज़गारी सारे अंदाज़ आ रखे थे अभी तक, वहाँ पे सब कुछ समझाया, फॉर्म में जो लिखा था वो सब चीज़ पढ़ाई, लेकिन ये नहीं बताया कि 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, 10,500 रुपये। अब 10,500 रुपये बोल रहे हैं, अभी वो किसी ने बताया हमें, पिछली बार जो एक लड़का गया था तो उसने बताया कि 10,500 लेके मुझे एक महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद बाहर कर दिया गया था। कि बोला कि तुम्हारा कॉल लेटर आएगा, लेकिन उसका अभी तक 1-1.5 साल हो चुका है, कॉल लेटर नहीं आया है। सर मेंशन होना चाहिए ना उसमें, मेंशन होना चाहिए जैसे आपने आपने फॉर्म में, नहीं तो आपने फॉर्म में लिख रखा है, सारी चीजें लिख रखी है कंपनी की, पूरी चीजें PF से लेके हर चीज, एक छोटी मोटी सारी चीजें लिख रखी है, लेकिन आपने 10,000 का क्यों नहीं लिखा इसमें मेंशन? 10,000 तो आपको बता रहा हूँ, हमने आपसे कुछ लिया थोड़ी ना, नहीं लिया नहीं है। तो वो लड़का जैसे 10,000 लेके उसको एक महीने के बाद बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं होता। नहीं, बाहर नहीं किया गया, बात हो गई तो खुद ही पूछ लीजिए। क्या बोला उसने? उससे पूछ लीजिए। उसने कहा कि सर मेरे साथ के सारे लड़के लग गए थे, तो मैंने, उसने ना मुझे एक बार कॉल करी ना मुझे कुछ किया, तो मैंने उसको बोल दिया। तो उस लड़के को यूं क्यों बताया गया कि मतलब तेरे लिए कॉल लेटर आएगा? उसके बाद 1.5 साल हो चुका है तब से। तो आप पिछली बार भी आए थे ना? हाँ, पिछली बार भी आए। आप आए थे ना पिछली बार? तो पिछली बार हम भी आए थे यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या बात हुई थी कि अगर गार्ड के लिए चाहिए तो 35,000 रुपए भरने पड़ेंगे गार्ड के लिए, और अगर सुपरवाइजर की पोस्ट चाहिए तो 55,000 रुपए देने पड़ेंगे। सर मैं आ रखा था, खुद मैंने फॉर्म भर रखा था, अगर आपके पास है डाटा अगर तो देख लीजिए आप, नीरज सिंह रावत करके पूछ लीजिए कितने रुपए का बोला गया है, वो आया है 10,500 रुपए। तो उसको तो लेकिन क्या फायदा उसका, उसको एक सैलरी भी नहीं मिली है। क्या बोला ना, क्या सीन चौक आगे सीन क्या तू तो गिरफ्तार कराए सीन आप तो क्या रंग लो सुनो वहाँ उनसे कन्वे करो ऐसे लड़के ये चीज के लिए एग्री नहीं है। बात करो हाँ भाई, बात के थोड़ी होता है। ये बोना चाहिए कि बोला वो बाहर निकली, बोलो आप ही गई बाहर बल। नहीं, इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया ना एक बार भी, अगर इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने इनको बोल दिया है कि मुझे बताएं अभी कर सकते हैं। नहीं तो ये लड़का बोल रहा है कि मुझे बाहर कर दिया गया कॉल लेटर के लिए, कि कॉल लेटर आएगा तब उसके बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। मैंने तो तुमको अभी भी कह दिया है ना कि आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, मैं नंबर भी दे दिया, अभी भी कर सकते हैं। नहीं सर, आप भर्ती करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप भर्ती करवाइए। जैसा आपने ये पोस्टर छाप रखा है ना, इसमें आप 10,500 मेंशन करके दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर कोई बंदा दिल्ली से घर आ रहा है तो 1,000 रुपए तो जाना आना उसका ऐसे खर्च हो रहा है, मतलब 1,000-2,000 रुपए। तो ऊपर से कोई तो जॉब करके, जॉब छोड़ के आ जा रहा है कि चलो यार SIS में भर्ती हो जाएंगे, 10-12 तो चाहिए। मेंशन होना चाहिए इसमें, कोई गलत नहीं है, हमें पता है SIS का, हमने पूरा पढ़ रखा है उसके बारे में। लेकिन जो कॉल लेटर आप इनको भेजोगे घर पे, उस कॉल लेटर में क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। हाँ, जो कॉल लेटर आप घर में भेजोगे उसमें मेंशन होगा भाई ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मेंशन है। क्या आपका हमारा नहीं, जैसे इन्होंने पूरी डाल रखी ना टर्म एंड कंडीशन पूरी डाल रखी है, तो ये चीज भी मेंशन करनी चाहिए कि 10,500 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा, वर्दी का देना पड़ेगा, या इससे पहले हम भी जॉब करके आ गए लेकिन हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया। ये उस लेटर में मेंशन वो भी है कि बात है,
लेटर जब ये भेजेंगे तो जिसको जो एग्री होगा वो तो उसमें जा सकता है ना, बिना एग्री नहीं कर सकता। अगर तो, आपको करना है हाँ, हाँ, हाँ। तो आप उस लेटर में मेंशन है जो ये सारी चीजें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनका है उस लेटर में साइन करके देगा। बिल्कुल सर, ये आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आप पैसे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कुछ भी करें, आपकी कंपनी है, आप कुछ भी करें, 10,500 देने के लिए चलो दो जोड़ी जूते मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है दो जोड़ी, चलो दे दिया, क्योंकि उसके बाद कमाना भी तो वहां से है कि नहीं, लेकिन हमें ये चीजें सारी मेंशन चाहिए इसमें। तो ये 10,500 यहाँ आके बताते हैं ना, पहले पिछली बार तो उन्होंने ये भी नहीं बताया, उन्होंने कहा कि आप सीधे वहाँ देहरादून आएंगे, देहरादून एक महीने ट्रेनिंग होगी। कॉल लेटर तो आपके पास ऑथेंटिक है ना, जो कॉल लेटर आपके पास जाएगा वो ऑथेंटिक है। कॉल लेटर उसके बाद मिलेगा जब हम 10,500 जमा करेंगे सर, ये है वहाँ पे, पूछो उनसे। आप हम यहाँ से जाएंगे, हम पहले वहाँ 10,500 देंगे ना, पहले हमारा फिजिकल जो भी है, हमारा वेट और हाइट ना पेगी, उसके बाद 10,500 जमा करने हैं ना हमें। ये बोल रहे हूँ कि 10,500 पहले जमा करने हैं, उसके बाद करेंगे जो देंगे तब 10,500 रुपए जमा। हाँ, अदरवाइज नहीं होंगे। साफ शब्दों की बात है, कॉल लेटर में मेंशन कर देंगे द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन बी अडॉप्टेड बाय यू, ठीक है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, वो ये सब कुछ होगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर देते समय। हाँ, वो तो होता ही, ये होगा। पहले पहले तो कोई भी इसको जमा नहीं करेगा, मेंशन करवा देंगे। पिछली अभी इस बार तो कुछ भी लौंडे नहीं आ रखे, पिछली बार 50 से ज्यादा लड़के आ रखे थे यहाँ पे, उनमें से एक मैं भी था। हमने यहाँ पे पेपर भी दिया, आपने पेपर करवाया था ना पिछली बार, पेपर दिया हमने यहाँ पे, पेपर भी दिया, उन्होंने कहा कि उसके बाद जब पेपर देने के बाद उसके बाद बोला कि पहले तो पैसे लिए 350 रुपए, ठीक है, उसके बाद बोला कि तुम्हें इतना अगर तुम्हें ज्वाइनिंग चाहिए उसके बाद तुम्हारे वहाँ पे वो होगा, एक महीने की ट्रेनिंग होगी। इनके पास पैसा रहता है गार्ड में भर्ती होने के लिए, क्यों इच्छुक हो आज हम ये बात बता रहे हैं? नहीं सर, अब बेरोजगारी इतनी है की सही बात। अगर आप जब कॉल लेटर दोगे, कॉल लेटर में शुड बी मेंशन इन कॉल लेटर कि हम आपको ये कॉल लेटर दे रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप हमको साथ साथ में 10,500 रुपए जमा करें, वो सब लिखा। बस ये किस चीज के लिए? ये सब इसमें लिखा, हाँ, शुड बी मेंशन इन प्रॉपर लेटर, ये होना चाहिए। कोई इच्छुक थे जो जाना को सही 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 बात तो अब आ चुका हूँ मैं अपने घर में। तो देखा ही होगा आपने कि कैसे सारे लड़के वहाँ से एकदम से फरार हो गए, क्योंकि अगर ये चीज़ मेंशन की होती कि 10,500 रुपए पहले देने हैं उस जो उन्होंने एक वो पर्चा निकाल रखा था जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी कि पीएफ मिलेगा और ईएसआई कटेगा, इतनी सैलरी मिलेगी और बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और जितनी भी उन्होंने मेंशन कर रखी थी, अगर उसमें ये चीज़ मेंशन की होती कि 10,500 रुपए भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर देने पड़ेंगे तो शायद हो सकता था कि लड़के आते भी और प्यार से सारी चीज़ें हो भी जाती। लेकिन जब लास्ट में वो ये चीज़ बताई उन्होंने और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई तो एक भी लड़के ने वहाँ फॉर्म नहीं भरा और सारे लड़के चले गए और उन्हें यहाँ ब्लॉक पोखड़ा ब्लॉक से उन्हें खाली जाना पड़ा। एक भी फॉर्म नहीं भरा पोखड़ा ब्लॉक के किसी भी लड़के ने। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, हरिओम।